एम ए सी बी के प्रणेता वैद्यनाथ सिंह जी अपनी बात रखेंगे। पेंशन योजना को लागू करने के लिए जो समिति बनी थी उसके तत्वाधान में उसके जिला इकाई द्वारा इस महाधिवेशन में मैं वैद्यनाथ सिंह आप सभी का हार्दिक नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। आज के इस समारोह में मंचासीन सभी आदरणीय पदाधिकारी, शिक्षक, विद्वानगण, जिला इकाई से प्रांतीय इकाई तक सभी अधिकारीगण, विद्वान शिक्षकगण, विदुषी महिलागण एवं और अन्य विभाग के कर्मचारीगण, पुरानी पेंशन को आपने लाकर नई पेंशन को खत्म कराया, इसके लिए आप लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के में नियुक्त शिक्षक था जो 10 रुपया मानदेय पर कार्य करता था। पूरी लड़ाई लड़कर मैं अपने सारे साथियों के साथ राजकीयकृत विद्यालयों की तरह पूर्ण पेंशन पाकर रिटायर हुआ हूँ। मेरे मन में ऐसा लगा कि शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तरह एसीपी और एमएससीपी का लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने इस मन में आदरणीय दिवाकर बाबू से राय लिया और आपस में विचार किया, क्योंकि उस समय दिवाकर बाबू थोड़ा बीमार चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले इसको आरंभ किया जाए और इस सिद्धांत पर कि तुम अकेले ही चले थे, जानकर मंजिल रास्ते में लोग मिले, आफला आ गया। और एक प्रेरणादायी पंक्ति थी, तुम एक अनलकन हो केवल अनुकूल हवा लेकिन भागकर छप्पर तक उड़ जा सकते हो, अंबर में आग लगा सकते हो। इसी प्रेरणादायी शब्दों के साथ लेकर मैंने सर्वप्रथम दिवाकर बाबू का पत्र लेकर माननीय विधायक स्टीफन मरांडी को दिनांक 4/7/2022 को एक शिक्षक प्रतिनिधि मंडल जिसमें अभी उपस्थित इसमें श्रीनिवास जी हैं, अजय कुमार दास थे, निमाई चंद्र मंडल थे और दो वयोवृद्ध शिक्षक थे, उनसे मिला और एसीपी के लिए उनको प्रेरक आवेदन दिवाकर बाबू का लिखा हुआ दिया। इसके बाद दिवाकर बाबू द्वारा लिखा हुआ आवेदन को लेकर मैं काशीनाथ महतो, जुलकर अंसारी वगैरह के साथ अध्यक्ष विधानसभा को 22/7/2022 को अभ्यावेदन दिया। फिर दिनांक 7/10/2022 को विधानसभा अध्यक्ष को जुलकर अंसारी काशीनाथ महतो के साथ मिलकर पुनः आवेदन किया। इसके बाद माननीय दिवाकर बाबू के द्वारा पत्र के लिखकर स्टीफन मरांडी को दिया और उनसे अनुरोध किया
कि माननीय वित्त मंत्री को आप अपने स्तर से लिखें। और स्टीफन मरांडी ने 16/2/23 को विहार पत्र वित्त मंत्री को दिया। झारखंड पेंशनर समाज के उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत ठाकुर द्वारा लिखा हुआ पत्र, दिवाकर माथुर का लिखा हुआ पत्र, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय का छवि हेमराम द्वारा लिखा हुआ पत्र, ये सब को लेकर पाकुड़ में माननीय मुख्यमंत्री को 1/11/22 को आप अभ्यावेदन दिया। उसके बाद प्लस टू शिक्षक संघ के द्वारा मुख्यमंत्री को और रविंद्र प्रसाद सिंह प्रधान सचिव द्वारा एवं गंगा प्रसाद यादव द्वारा मुख्यमंत्री को 16/7/23 और 16/9/22 को अभ्यावेदन दिए गए। इसके बाद विधानसभा में एमएलए नरेंद्र सोरेन द्वारा अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर में जो 1/8/22 को दिया, उसने सरकार ने मान लिया कि शिक्षक सरकारी सेवा कर्मी है, लेकिन वो नहीं माना कि इनको एसीपी का लाभ दिया जाएगा। फिर तारांकित प्रश्न संख्या 38 के सरकारी जवाब में 12/2/23 को जो स्टीफन मरांडी के प्रश्न का था, उसके जवाब में बोला कि कर्मचारियों को मिलेगा, शिक्षकों को नहीं मिलेगा। इसके बाद विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के प्रश्न के जवाब में 19/12/22 को सरकार ने हमारी मांगों को अमान्य कर दिया। पिछले विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय विधायक शिवू सिंह, अमित मंडल, विनोद सिंह के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में सरकार ने वही पुराना राग अलापा। अध्यक्ष महोदय रविन्द्रनाथ महतो को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे क्वेश्चन को प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति को सौंप दिया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज अहमद के सामने हम लोगों ने पक्ष अपना प्रस्तुत किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जज हूँ, आप अपने वकील को ठीक दीजिए। तो वकील के रूप में माननीय विधायक बगोदर के विनोद कुमार सिंह को हम लोगों ने तैयार किया। उन्होंने बहुत दिलेरी से हमारे प्रश्न को रखा, सरकार को झुकने के लिए बाध्य किया। उन्होंने कहा कि तुम नलिन सोरेन के प्रश्न के उत्तर में कहते हो कि शिक्षक सरकारी कर्मी हैं, तो सरकारी कर्मियों की भांति इन्हें 3 प्रमोशन का लाभ क्यों नहीं देते। तो उन्होंने बताया कि शिक्षक को ज्यादा पैसा मिलता है। तो हम लोगों ने बिहार से विभिन्न प्रकार के पे फिक्सेशन का चार्ट मंगवाया और दिखा दिया कि बिहार के शिक्षक हमसे ज्यादा पैसा पाते हैं। तो इस तरह से फिर दूसरी मीटिंग जो इधर 3-4 दिन पहले हुआ, उसमें सीपी सिंह जी ने बताया, पूछा कि तुम किरानी चपरासी को देते हो जी, तुम खुद अपने लेते हो तो शिक्षक को क्यों नहीं देते। शिक्षक को तो प्रमोशन है, किरानी चपरासी को तो प्रमोशन नहीं मिलता है, बड़े झूठ बोलते हो। किरानी चपरासी किरानी बनते हैं और किरानी पदाधिकारी और प्रोन्नति होती है। विधानसभा में मैं अध्यक्ष था, मैंने दिया हूँ सीपी सिंह द्वारा। तब इस पर के रवि कुमार झुक गए और बोले कि सर मैं
आप लोगों की भावना से सहमत हूँ। मैंने बिहार सरकार को पत्र लिख दिया है कि आपने किस प्रकार एसीपी और एमएसपी दिया है, आप हमको ब्यौरा बताइए। तथा वित्त विभाग को मैंने सहमति का पत्र लिखा हूं कि कृपया आप इसमें सहमति प्रदान करें। तो इस पर सरफराज साहब जो अध्यक्ष थे वो पूछे कि देना तो तुमको है ही, तुम बताओ कि कब और कैसे दोगे। इतना इतना करके मीटिंग समाप्त हो गया। अगली मीटिंग में इस पर कार्रवाई होगी। इतना कहकर